सदर आसिफ अली ज़रदारी जो पंजी पघार न वठण जो फैसलो। सदर फैसलो मुल्क के पेश इंदड़ मौसी चैलेंजेस के नज़र में रखी कयो। सदर के फैसले जो मकसद मुल्क में दानिशमंदाने मालियाती निज़ाम जी हौसला अफजाई करना है। सैयद आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध मुकर्रर। डॉक्टर फखर आलम बदली वफाकी हुकूमत ग्रेट 22 के ऑफिसर सैयद आसिफ हैदर शाह के सेक्रेटरी सिंध मुकर्रर करण जो नोटिफिकेशन जारी करे छो। आसिफ हैदर शाह मौसमियाती तब्दीली माहौलियाती राबतन वफाकी सेक्रेटरी तौर मुकर्रर हो। सैयद आसिफ हैदर शाह कराची जो कमिश्नर भी रही चुको है। IMF प्रोग्राम में वन अणटर है। हलंदड़ हफ्ते गालियों नाणे वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब की तस्दीक। वफाकी वजीर पारा इंदड़ हफ्ते आलमी मालियाती इदारे से गालियों शुरू करने जो इशारो चवे तो पाकिस्तान के मसलन में कढ़ने लाए गालियों बदरा हाँ एक्शन थी। उम्मीद है IMF से हलंदड़ हफ्ते गालियों शुरू थी वेंदियों। मौजूदा माली साल 2024 दुख्यो साल हों जल्द मसलन के हल लाए गालियों लाए मीडिया से वेहंदी। मनसूबाबंदी वाले वफाकी वजीर एहसन इकबाल मुल्क के जटादार तरक्की में तब्दील करने लाए सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार दे छो। पॉलिसियों के तसलसल का सिवाय कें भी मुल्क की तरक्की मुमकिन ना है। सियासी बहरान सबब तरक्याती मनसूबा मुतासर थे। पाकिस्तान माजी में खराब नमूने सियासी अदम इस्तेहकाम जो शिकार थे। ज़रात सनत ए पैदावार शोबे की सलाहियत बढ़ानी पवी। मनसूबाबंदी वाले वफाकी वजीर एहसन इकबाल जो इस्लामाबाद में मीडिया से गाल चीन सी पैक तहत पंज नवा कॉरिडोर शुरू करण लाए तैयार है। पूरे अजम से चीन के इन आच के हकीकत बढ़ाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। सामुंडी फौज के सरबराह पारा शहबाज शरीफ के वजीर आजम जो मनसब संभालने से वाधायों। मुलाकात में पाक बेरिया बाबत पेशेवरान मामलों से गाल बोल। लाहौर की एक्साब अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ हमजा शहबाज खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस की बुधनी। हमजा शहबाज की एक ढीह की हाजिरी का छूट वारी दरख्वास्त मंजूर। अदालत मुस्तकिल हाजिरी का छूट वारी दरख्वास्त दलील तलब कर वरता। अदालत रेफरेंस की वधी कार्रवाई 19 अप्रैल तीन मुलतवी करी। रेफरेंस की बुधनी एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्कर नेन कई।